सब लोग उम्मीद होगी कि आप सब ठीक ही होंगे और जहाँ भी होंगे बहुत खुश होंगे। मैं हूँ रमशा उमर और आज का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और इसे फुल वॉच करिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो लाजमी करिएगा और अब इस वीडियो पे आ ही गए हैं तो फुल वॉच करे बिना नहीं जाइएगा। तो आज का जो व्लॉग है वो है कुछ ब्लॉगिंग भी है थोड़ी सी उसमें और मैं बहुत अच्छे से आलू पराठे आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ और साथ में ब्लॉगिंग भी हो जाएगी। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। ये देखें गर्मियों में सर्दियाँ हैं यहाँ पे, तो गर्मियों में सर्दियाँ सी व्यू वाला खेल रहे हैं बच्चे भी जो है खेल रहे हैं सर्दियों वाला, गर्मियों में सर्दियाँ आ रही हैं और इनके पापा जो है नाते सुन रहे हैं। बाकी अभी हम हारिस बराबर में गए हैं और अभी हम अपना ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे, रेसिपी आपको बताऊंगी आलू के पराठों की और आप लोगों को लाजमी ट्राई करना है। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो मैं अभी अभी बाहर से आई हूँ तो मेरा थोड़ा सा सामान ख़त्म हो गया था ग्रॉसरी, तो मैं वो लेने गई थी तो अभी मैं वो लेकर आ गई हूँ और फिर थोड़ी देर बाद आप लोगों के साथ इंशाल्लाह पहले रेसिपी भी शेयर करूँगी पराठों की। तो बस फिर मिलते हैं शाम में और हो सकता है आज के ब्लॉग में मैं चैलेंज भी करूँ अपने फादर का और अपने हस्बैंड का एक साथ चैलेंज करूँ, वो मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ क्या करूँ, पर अभी कुछ दिमाग में आता है तो मैं फिर आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी और फिर चैलेंज भी करवाएंगे इन लोगों का। ठीक है तो मिलते हैं फिर से बाद। धोने का साबुन वगैरह टूथपेस्ट ख़त्म हो गया था, ये वो है और बाकी इसमें है सामान, ये तेल वगैरह थोड़ा सा ही रह गया था तो मैंने बोला कि ख़त्म होने से पहले ही ले आते हैं क्योंकि फिर लाने वाला कोई नहीं होता है जब ये शॉप पे गए होते हैं, तो इसलिए मैं अभी लेकर आ गई। बाकी इसके अंदर है सामान, सर्फ है और सर्फ भी थोड़ा सा ही बचा था तो मैंने सोचा सर्फ भी ले लेते हैं, चावल आटा वगैरह सब चीनी, तो यही सामान अभी ख़त्म हुआ था तो मैं ये लेकर आ गई। तो ये देखें पत्ती भी गिरा दी इनके पापा ने खोलते खोलते और अब ये कह रहे हैं अभी इसका क्या करें पत्ती का, अब जाहिर सी बात है अब उठा के डाल तो नहीं सकते क्योंकि डस्ट भी आ गई होगी तो अब इसे वेस्ट ही करना पड़ेगा। बाकी ये चीनी है, ये चीनी है ना मैं नहीं ये आटा है, ये आटा है, ये बहुत अच्छा आटा होता है आप लोग देख लें इसका नाम क्या है, क्या नाम है इसका, सुपर फाइन परी, बहुत अच्छा आटा होता है। मनाल सुबह आप क्या कर रहे हैं, सुबह नमाज पढ़ने गए थे अभी है ना, नमाज पढ़ के आए आप, गुड बॉय, पढ़ लिया आपने जी। और खाना खा लिया जी। सब कुछ कर लिया, लंच भी कर लिया। आप कहाँ जाओगी, मैं जाऊंगी। अभी कहाँ जा रहे हो आप लोग, हाँ ट्यूशन जा रहे हैं अभी है ना सुभान, चलो ट्यूशन चले आप, मतलब आप लोग ट्यूशन जाएं और मम्मा काम करेंगे। ये पापा जो है यहाँ पे सामान भर रहे हैं चीनी में डाल रहे हैं चीनी, बाकी अभी हम सामान वगैरह अपनी जगह पे रखते हैं आप लोगों से मिलकर। मैंने सामान भी समेट दिया सारा, सब कुछ रख दिया जगह पे, बस अब आटा जो है वो रखना है और इसके अलावा बस आलू बॉईल करने रखने हैं और बस। हारिस यहाँ खेल रहे हैं, हारिस और बच्चे जो है पढ़ने चले गए हैं ट्यूशन चले गए हैं, अनाल की भी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है ना तो लाजमी ट्यूशन जाना बनता है उसका, लॉकडाउन की वजह से बच्चे भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं और मनाल तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हो जाती हैं बट बच्चे नहीं समझ पाते सही से कि क्या चीज़ क्या करनी है क्या चीज़ क्या करनी है। खैर इंशाल्लाह अब लॉकडाउन भी हट जाएगा, 6 तारीख से कह रहे हैं कि स्कूल खुल रहे हैं, कहते हैं फिर कुछ और हो जाता है, अब देखें पीर से मनाली स्कूल जाती हैं या नहीं। अरे क्या कर रहे हैं आप, जेली जेली है मम्मा। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा ही बोर हो रही हूँ क्योंकि बच्चे भी पढ़ने चले गए हैं और हारिस भी चॉकलेट खाने में लगे हुए हैं तो मैं सोचा क्यों ना आप लोगों से बातें करी जाए। तो
मैंने अपनी एक मेकअप की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करी है। मुझे इतना बहुत ज़्यादा, मैं प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, पर जितना मुझे आता है, जितना मुझे आता है उतना मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि मैं किस चीज़ के हवाले से वीडियो बनाऊँ, तो आप लोगों को लाजमी बताना है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा घरों में, अपने अपने घरों में रहें और मास्क जो है लाजमी लगाएं, क्योंकि अल्लाह जाने की बीमारी है या नहीं है। बस कोई कहता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, कोई कहता है कि है। अभी अजान हो जाए फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। तो ये हम, मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं और इसे मैंने छील भी लिया है। और यहाँ मैंने लिए प्याज, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें। हरी मिर्चें बच्चों के मुँह में आती है तो इस वजह से मैंने अभी को थोड़ी सी ली है, 3 से 4 कट करी होंगी। लाल मिर्चें हैं, जीरा, और मैं ये सब आलू के अंदर मैश करूँगी अभी। और अगर आप चाहें तो थोड़ी सी इमली भी डाल सकते हैं, बाकी अगर आप नहीं चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी होती है, अगर दिल है तो डाल लें, नहीं तो नहीं। मैंने तो नहीं डाली यहाँ पे, क्योंकि मैं ज़ाहिर सी बात है पराठे बना रही हूँ। तो अब मैं आलू को पीस के फिर उसके अंदर ये सब मिक्स कर दूँगी। तो ये मैंने भुर्ता बना लिया है, बस अब मैं ये थाल खुश्क हो जाए तो फिर मैं आटा गूँगी। और सुबह यहाँ पर मैं अम्मा के साथ काम करवा रहे हैं, उन्होंने चेयर रखी और यहाँ ये खुद बैठ गए। तो यहाँ पे मैंने आटा भी निकाल लिया है, फिर अब मैं आटा गूंथ लूंगी। अभी हमारा होने वाला है चैलेंज, तो उमर करेंगे चैलेंज उज़ैफा के साथ। तो अभी हमारा होगा आलू के पराठे का चैलेंज, तो आप लोग मिस मत करिएगा और पूरी वीडियो वॉच करिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। तो अभी हम चैलेंज करेंगे, फिर आप लोगों से मिलेंगे। तो मैंने यहाँ आटा गूंथ लिया है और ये मैंने छोटे छोटे दो पेड़े बना लिए। आप चाहे तो इसको बड़ा भी रोटी दे सकते हैं और आप चाहे तो छोटी भी रोटी दे सकते हैं, आपके ऊपर। छोटी करेंगे तो मैंने इसे यहाँ सीख लिया है, अब मैं इसे फ्राई कर लूँगी वाइट। तो हमारा चैलेंज शुरू हो चुका है और ज़ैफ़ा और इनके पापा जो है रेडी हो चुके हैं चैलेंज के लिए, और मम्मा भी यहाँ बच्चों को लेके बैठ गई हैं। और बस हमारा चैलेंज अभी शुरू होने वाला है और आप लोगों को कमेंट्स करके बताना है कि कौन जीता है, कौन नहीं जीता। हमारा चैलेंज स्टार्ट, रेडी। जल्दी करें, वो देखा का एक खत्म होने वाला है, दूसरा सुभान कह रहे मामू जल्दी, मुझे तो नहीं लग रहा मेरा आप जीतेंगे। ओ मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा मैं आपसे। मजाक कर रही है, मैं और सुबह भी चैलेंज करेंगे। थैंक यू मामा।
वेट मामू, पापा जीत जाएंगे वहाँ पे कितना। तो यहाँ मुझे लग रहा है उज़ैफ़ा जीत जाएगा, जीत जाएगा नहीं जीत गया बल्कि। ये दो दो पराठे थे और जिससे इन्होंने फिनिश कर चुके हैं और इनका अभी एक से आधे से ज़्यादा है। तो उज़ैफ़ा जीत गया, तो उज़ैफ़ा को मिलेगा 500 रुपये का नोट, 500 रुपये का नोट पूरा पूरा नहीं के साथ। देख लिया होगा कि कौन जीता है और कौन नहीं जीता है, तो मुझे उज़ैफ़ा जीता है। उज़ैफ़ा तुम कुछ बोलना चाहोगे? जी भाई, बहुत मजे के पराठे बने हुए थे, बहुत मजा आया और बहुत एंजॉय किया। और आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं हार गया क्या? अल्फाज ही खत्म हो गए यार। तो इंशाल्लाह कल हो सकता है कि हम कल भी चैलेंज करें, हो सकता है, वैसे कुछ पक्का इरादा नहीं है। और अगर हो सका तो इंशाल्लाह जरूर करेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हमें रखिएगा दुआओं में याद, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल।